क्या हुआ? एंड दैट वॉज द रीजन जिसकी वजह से हम लोग वीडियोज पिछले कुछ दिनों से ना रिकॉर्ड कर पाए, ना एडिट कर पाए, ना मैं अपलोड कर पाया, क्योंकि बस वो पिछले एक डेढ़ हफ्ता तो हमारा ऐसा नहीं था। अभी आज टेम्परेचर है -18। जैसे जैसे ठंड होती जाती है गाड़ियों के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, और वार्निंग आ गई थी गाड़ी के अंदर या हवा कम है तो भरनी पड़ी। अब सारे जो टायर हैं उसके अंदर भरूंगा। ये जो है ना बड़े काम की चीज़ है यार। ये जो बर्फ़ पड़ी हुई पीछे, ये सारी बर्फ़ दो हफ्ते पहले गिरी थी। एक मेजर स्नो स्टॉर्म आया था यहाँ पे, मैंने प्रॉपर उसकी वीडियो बनाई थी। एक दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि अगले दिन मेरी छुट्टी है, पूरा दिन बाहर जाऊँगा और घूमूंगा। कल है मेरी छुट्टी, सारा दिन घूमना है अपने, स्नो में घर नहीं बैठना। तो अगले दिन सुबह उठ के देखा हमने, क्या जबरदस्त स्नो हुई पड़ी। मैं क्या बैकयार्ड में जाता हूँ जरा देखे मैं। ओ पीछे की हालत देखो, पीछे की देखिए कितने हैं, 2 फुट तो है ही है ये। ये मेरे घुटने जितने हैं, देखे रेडी बट गिराइए मुझे इसको। ओके गो स्टैंड ओवर देयर, द स्नो ऑन माय शू नाउ, रेडी? या लेट्स गो। यहां पे 1.5 फीट है, 18 इंचेस, सो जस्ट ऑन 1.5 फीट। 1.5 फुट बर्फ गिरी हुई पीछे, और हमारी मौज होगी, हमने सारा दिन स्नो में खेला है। हम भी खाएंगे थोड़ी सी स्नो। बच्चों की तो हो गई थी मौज, लेकिन मेरी हो गई हालत खराब। जो बर्फ मेरे को हटानी पड़ी ना अपने ड्राइववे से, वो बर्फ हटाने के लिए मैंने बड़े टाइम के बाद अपना स्नो ब्लोअर निकाला। तो इस तरफ करना इज अ रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि हवा उस तरफ की है, सारी उड़ के मुंह पे ही आ रही है स्नो। आई एम टोटली वेट, मेरा चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो गया। तो ड्राइववे तो जैसे तैसे साफ कर लिया मैंने, उसको मैंने डिसाइड किया, मैं कहा एक काम करते हैं गाड़ी लेके चलते हैं अपनी, तो होंडा के अंदर विंटर टायर लगे हुए हैं, कर लेके चलते हैं बाहर, देखेंगे दुनिया का क्या हाल है। जंग
पर गाड़ी को जैसे ही मैं अपने ड्राइवर से नीचे उतारा तो गाड़ी फंस गई वहां। तो एप्पल स्टोर जाने वाले थे ये, अपने ड्राइवर से बाहर नहीं जा पाए। खैर जैसे तैसे करके वो दिन निकल गया, सारी बर्फ वगैरह साफ हो गई। उसके एक दो दिन के बाद में ये सारी फुटेज मैं एडिट करने बैठा अपने लैपटॉप पे। जैसे ही मैं लैपटॉप पे एडिट करने बैठा, साक्षी आ गई। साक्षी बोलती है कि चीकू को थोड़ा बुखार हो गया है। मैं कहा यार कोई बात नहीं, बुखार होता रहता, पिछले दो दिन से बच्चे ना बाहर खेल रहे थे बर्फ में, तो मुझे लगा कि उसी की वजह से बच्चों को थोड़ा फीवर हो गया होगा। बट दो दिन हो गए चीकू का बुखार ही नहीं उतरा है, उसको हेडेक बढ़ता जा रहा है, बुखार 102 103 के आसपास उसको बुखार चल रहा था। हमने सोचा कि हो ना हो ये है तो कोविड ही, सब जगह फैला हुआ है। हालांकि हम लोग किसी से मिल नहीं रहे थे ज़्यादा, एक आधी फैमिली भाई भाई से ज़्यादा मिले होंगे, और कोई ट्रैवल भी नहीं किया हमने। बट अभी क्या है कि सब कोई होना, तो हमें लगा कोई बड़ी बात नहीं है, कोविड हो तो हमने फ़ोन किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए टेस्ट की। उन्होंने भी मना कर दिया, बोलते हैं कि मान के चलो कोविड है, टेस्ट वेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड का हमारे को डर हो गया तो टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको पाँच दस हर हफ्ते के आई थिंक दो तीन टेस्ट ऐसे ही दे रहे हैं घर पे, चाहे आपको कोविड है नहीं है, सिम्टम है नहीं है। तो लोगों के पास जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कुछ 15-20 टेस्ट ऐसे ही पड़े हुए। हमने इतने नेबर से बात की, बोलते हैं कि यार हमारे को स्कूल से मिले थे 10 टेस्ट पड़े हैं हमारे पास, ले जाओ हमारे से। फिर हमने क्या किया, घर पे चीकू का टेस्ट किया। Is he getting a COVID test at home? He has a fever, which is hopefully okay, but... This is the rapid test that we are doing. Yes. 45 degree angle पर रखना ना। मैं तो प्यार से करूँगा बाबू। Do you trust head, us? Head ऊपर कर ले बिल्कुल। Mouth close, अपने हाथ से करो। Okay, hold it here. You've done COVID test both body. 2, 3, 4, 5. You can take it out now. 1. Two, three. Hey Siri, create a timer for 15 seconds. 15 minutes. Hey Siri, create a timer for 15 minutes. क्या हुआ? चिकू's test came positive. You are strong. You can just say COVID. Get lost. Just say COVID. Get lost. Say that, Chico. COVID, get lost. Mama. For the last time, Anna, what is it right now? Hai toh bhi high 103.1. ठीक, क्योंकि you know अब यूं है कि कोविड सबको हो रहा है, तो एक बारी हो जाए, होना तो है ही सबको। वह टेंशन तब थोड़ी ज़्यादा हो गई जब नेक्स्ट डे समक्ष को भी बुखार हो गया, और दो दिन लगातार उसका बुखार नहीं उतरा। लिसन बेटा, कल मैंने किया था चीकू का। Don't touch too hard, thanks. Can you turn off? No, I close your eyes. Buddy, calm down. Samaksh, हाथ नीचे. Okay, looks like Samaksh का भी positive है. सिचुएशन इज़ नॉट गुड राइट नाउ, समक्ष का भी पॉजिटिव है, हमारे पास दो ही टेस्ट थे, और साक्षी को फिलहाल बुखार है, अभी इतना तेज़ नहीं है, बट समक्ष को काफ़ी तेज़ बुखार है, 103 के आसपास बुखार है। तो अभी तीनों सो गए हैं, तीनों ने दवाई ले ली है। एंड थोड़ी हमारे को टेंशन तब हो गई, रात को 3:30 साक्षी ने उठाया कि समक्ष तो बहुत गर्म लग रहा है, उसका टेम्परेचर किया, इट केम आउट टू 105.6। तो हम थोड़ा घबरा गए कि इतना तेज़ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और दो दिन से टेम्परेचर था उसको समक्ष को, बट 102 ऐसे चल रहा था, लेकिन रात को अचानक इतना ज़्यादा हो गया। तो हमने यहाँ पे जैसे 911 होता है,
ऐसे यहाँ पे एक 811 होता है, वो टेली हेल्थ के लिए होता है कि आप कॉल करो और वो कोई नर्स आपको पिकअप करके दिल जस्ट गाइड यू, आपको थोड़ा कई बार समझ नहीं आता क्या करना है। वहाँ कॉल किया, दिस सेड कोई भी नर्स अभी अवेलेबल नहीं है, कई घंटे लग जाएंगे नर्स से बात करने में। बट जो ऑपरेटर था वो कहता है कि यार अगर इतना ज़्यादा फीवर है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम अभी इमरजेंसी चले जाओ। सो इमीडिएटली आफ्टर दैट वी वेंट टू इमरजेंसी। अभी 2 घंटे हो गए हैं साक्षी और समक्ष अभी इमरजेंसी में, अभी उससे बात हुई थी कि देयर इज ओनली 1 डॉक्टर राइट नाउ, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितना टाइम और लगेगा। द गुड थिंग इज कि समक्ष का बुखार उतर गया है, सो अभी नर्स से डिस्कशन हुई है कि वो ये बोल रहे कि अगर बुखार उतर गया है देन यू माइट एक्चुअली जस्ट गो होम। ये इसमें होता है कोविड में, एकदम हाई फीवर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, तो मुझे कोई ऐसे कंसर्न वाली बात नहीं लग रही, अभी कुछ कह नहीं सकते डॉक्टर को भी और कितना टाइम लगेगा, बिकॉज देयर इज ओनली 1 डॉक्टर इन हॉस्पिटल राइट नाउ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोविड चल रहा है, इतने केसेस स्पाइक पे चल रहे हैं एंड दे हैव ओनली 1 डॉक्टर इन इमरजेंसी विच इज अनबिलीवेबल। हाउ यू फीलिंग बडी, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? बंद कर डोर, हिज फीवर अगेन गोज अप। तो दोबारा आ जाना कह रही है? हाँ। तो फिर तब भी तो दोबारा डबल टाइम लगेगा। हाँ, लगेगा, वही तो मैं आपको कह रही थी कि लगेगा ही डबल टाइम फिर। एटलीस्ट ये अच्छा होगा कि 2 घंटे इमरजेंसी में रुकने के बाद में समक्ष का बुखार थोड़ा उतर गया, और फिर हमें लगा यहाँ रुकने का कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि डॉक्टर अभी तो पता नहीं पहले आएगा कितनी देर में। वो बोलते हैं एक ही डॉक्टर है, और जब आएगा तो क्या करेगा, वही बोलेगा कि एडविल दे दो, टाइलेनॉल दे दो। हाँ, मैंने नर्स से पूछा ना, इनो टेस्ट तो कोई भी नहीं होंगे क्योंकि और कोई सिम्टम नहीं है। फिर हमें लगा घर आना ही ठीक है। खैर घर आने के बाद टचवुड उसके बाद सब ठीक हुआ, बच्चे ठीक हो गए, फिर उसके बाद बारी लगी हमारी। कैसे पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा इसका। यू फीलिंग एनी बेटर समक्ष? यू फीलिंग एनी बेटर? 20%। अभी इसका कितना फीवर है अभी? 103। और तेरा कितना फीवर है? फिर मेरा नंबर लगा, लेकिन मैंने बूस्टर लगवा लिया था जनवरी के बिगिनिंग में ही, मैंने बूस्टर लगवा लिया था, तो हम चारों में सबसे माइल्ड सिम्टम मेरे ही थे। मतलब मेरे को बुखार नहीं चढ़ा, साक्षी को दिन इवन दोनों वैक्सीन के बाद बुखार भी चढ़ा, मुझे बुखार नहीं चढ़ा लेकिन मुझे जुकाम हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। How's it going? Good. And that was the reason जिसकी वजह से हम लोग videos पिछले कुछ दिनों से ना record कर पाए, ना edit कर पाए, ना मैं upload कर पाया, क्योंकि बस वो पिछले 1-1.5 हफ्ता तो हमारा ऐसा निकला stress में। बट ये अच्छी बात है कि अब हम लोग ठीक हैं, भगवान की ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों ने isolate कर लिया अपने आप को 5 दिन का, अभी तो फिलहाल isolation required है, पहले ज़्यादा हुआ करता था। Finally, अब हम लोग निकले हैं, cars and buses on this side. All right, guys. Welcome to America. तो अभी हम लोगों ने बॉर्डर जस्ट क्रॉस किया है, और यहाँ पे क्या इन्होंने का फंडा, अभी फिलहाल की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और रैंडमली चेक कर रहे हैं। वी वर सिलेक्टेड, तो हमारे को उसने बोला अंदर जाओ, वी केम हेयर इनसाइड द बिल्डिंग, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट्स उनको दिखाए, एंड
वी आर गुड गुड टू गो. पासपोर्ट्स दे दो. हाँ पासपोर्ट ले ले तू. कुछ वो बोला उसने कि भी एक्सपायर हो रहा है इसका? ना ना रूल पता ही है ना. बाय द वे समक्ष का US पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो चुका है. हमारे को पहले ये डर था कि कुछ इशू ना हो इस चीज़ का, बट फिर मैंने आने से पहले पढ़ लिया था कि एक्सपायर्ड लाइसेंस पे यू कैन कम एंटर इन द US. एक्सपायर्ड ही तो बोला, एक्सपायर्ड लाइसेंस बोला, लाइसेंस बोल दिया. हाँ तो एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे आप US आ सकते हो, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम कनाडा में ही रिन्यू करा लेंगे लाइसेंस, फिर लाइसेंस यार पासपोर्ट. ये तेरा लाइसेंस की वीडियो बनाई थी ना उस दिन, वही दिमाग में घुसा हुआ है. सो एक्सपायर्ड पासपोर्ट हम लोग रिन्यू करा लेंगे US कनाडा में ही, बट देयर इज नो अपॉइंटमेंट. उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है US एम्बेसी में, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो अब US में एंटर करके US के किसी पासपोर्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट बनवाएंगे. ओके चलो निकलो अभी यहाँ से. आज US में अपनी रोड ट्रिप हमने आज स्टार्ट करी है. अभी पहले मैंने टेस्ला स्टॉप के ऊपर गाड़ी चार्ज करी और हमें मैंने रिसर्च करी नहीं, मुझे रिसर्च करके आनी चाहिए थी क्योंकि हर स्टॉप पे कुछ ना कुछ होता है, यानी रेस्टोरेंट वगैरह. और ये निकला एक कसिनो पे. अब दाव लगाना पड़ेगा लगता है. वैसे तो कसिनो के अंदर बहुत कुछ होगा खाने वाने का, रेस्टोरेंट वगैरह भी होंगे और वॉशरूम वगैरह भी होंगे, बट नॉर्मली बाहर होता है जो कि बाहर नहीं है. सो बस गाड़ी को फटाफट चार्ज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं. एक अच्छी चीज़ है साक्षी घर से लेके आई हुई है पराठे बना के. कौन से पराठे? आलू का और आपके लिए गोभी का. अरे वाह, तो गोभी का पराठा खाते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं. गाड़ी फिलहाल हो रही है चार्ज.